अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये जी मेरे पास 14 इंच का सोनी का टीवी आया था जी, 14Q1 मॉडल है जी इसका। और इसके अंदर जो ये आईसी है TDA 8374A, इसके अंदर आईसी लगा हुआ है। इसके अंदर फॉल्ट ये था कि ये स्टैंड बाई पर था, तो इसका बोर्ड भी काफ़ी साफ़ है, तो इसको ब्लोअर के साथ हवा भी लगाई मैंने, तो इसके अंदर फॉल्ट था, ये स्टैंड बाई पर था। इसके वोल्ट डिटेल सभी के सभी ओके थे, वोल्ट प्रॉपर आ रहे थे, और ना ही कोई कैपेसिटर वीक था, ना ही कोई इसके अंदर की रेजिस्टेंस डी वैल्यू थी। तो इसके अंदर मसला ये था कि इसके मेन आईसी पर तो कार्बन थी, ये जी मेन आईसी पर, ये देखें कि इसके मेन आईसी पर कार्बन थी। तो इसको मैंने ज़ीरो नंबर रेगमार से अच्छे तरीके से क्लीन किया, इसको साफ़ किया मैंने, तो इसके सिस्टम आईसी को भी साफ़ किया और इस जंगल आईसी को भी मैंने साफ़ किया, तो टीवी मेरा बिल्कुल ओके हो चुका है। तो जब मैंने इसको चेक किया, इसके वोल्ट भी सभी के सभी ओके थे, और ना ही कोई कैपेसिटर वीक था, और ना ही की रेजिस्टेंस डी वैल्यू थी, सभी वोल्ट ओके शो करा रहा था। तो फिर सिर्फ इस मेन आईसी को साफ़ करने से जो है ना मेरा मसला हल हो गया जी। तो मैं इसको अभी चला कर दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, टीवी मेरा बिल्कुल ओके हो चुका है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा सर्किट अंदर कोई फॉल्ट नहीं होता।